इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली। महानुभाव, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति ने जिन दर्शन तो अनेक बार किए, जैन भगवान के दर्शन को अनेक बार मंदिर मंदिर में गए, जैन भगवान की वंदना को अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर वंदना करने गए, श्री सम्मेद शिखर जी, श्री गिन्नार जी, श्री चंपापुर जी, श्री पावापुर जी आदि अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर गए, अनेकों बार माँ जिनवाणी को अपने हाथ में लेकर पूजन करने का प्रयास किया, अनेकों बार गुरुओं की चरणरज अपने मस्तक पर लगाने का प्रयास किया, लेकिन एक बात विचार करिए कि तीर्थ की वंदना तो अनेकों बार करी, लेकिन अपने अंदर जो राग देश हैं उसको देखने का प्रयास किसने किया, अपने आत्मदर्शन का प्रयास किसने किया। जिन दर्शन तो रोज कर रहे हैं, गुरु दर्शन तो रोज कर रहे हैं, लेकिन आत्मदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंसान संसार में भटक रहा है, संसार में भ्रम रहा है, संसार में इधर उधर घूम रहा है। अरे संसार में जो आया है, चाहे सातु हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे त्यागी हो, चाहे व्रती हो, इस संसार में जो भी आया है वह अपना अपना काम कर रहा है, अपना अपना कार्य कर रहा है, अपनी अपनी क्रिया कर रहा है। बस अंतर इतना है, कोई मन से कर रहा है और कोई मन लगाने के लिए कर रहा है, कोई मन को स्थिर करने के लिए कर रहा है और कोई मन स्थिर करके कर रहा है। छेड़ाला ग्रंथ में पंडित दौलतराम जी कहते हैं, ताही सुनो भई मन थिर यान, जो चाहो अपनो कल्याण। कह रहा है कि तत्पर है कि कोई मन लगाने के लिए कार्य कर रहा है, कोई मन लग चुका है इसलिए कार्य कर रहा है। अंतर इतना होता है, कार्य तो सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कार्य कर रहे हैं, कार्य आप भी कर रहे हो, लेकिन आप कार्य कर रहे हो मन लगाने के लिए और हमारा मन लग चुका है इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, मन की उपमा मरकट से दी गई है, मन की तुलना बंदर से की गई है। जिस प्रकार से बंदर को पकड़ना आसान नहीं है, कदाच बंदर को तो पकड़ भी सकते हैं लेकिन मन को कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं सकता, मन को कोई भी व्यक्ति जान नहीं सकता, मन को कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं सकता, क्योंकि मन ही ऐसा है जो एरोप्लेन से भी तेज रफ्तार में चलता है, मन ही ऐसी वस्तु है जो एरोप्लेन से भी फास्ट भागता है, ट्रेन से, गर्ज से, गाड़ी से, बस से, रेल से भी ज़्यादा तेज भागती है एरोप्लेन, रॉकेट, लेकिन मन उससे भी तेज भागता है। कैसे भागता है? यहाँ से आपको अमेरिका जाना है तो 24-27 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन मन से यदि अमेरिका जाना है तो आप एक क्षण में पहुँच जाओगे, पल भर में पहुँच जाओगे। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक यदि कोई है तो मन है। तो जब मन से आप एक क्षण में अमेरिका जा सकते हो तो मन से एक क्षण में सम्मेद शिखर जी कैसे नहीं पहुँच सकते, अयोध्या जी कैसे नहीं पहुंच सकते, गिन्नार जी कैसे नहीं पहुंच सकते। ये विचार करने की बात है कि जब आपका मन थिएटर में ले जा सकता है तो आपका मन टेंपल में भी ले जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जब आपका मन आपको पिक्चर हॉल ले जा सकता है, पिकनिक में ले जा सकता है, तो आपका मन आपको मंदिर में, गुरुओं के पास, अन्य अन्य जगह पर ले जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। मन को कंट्रोल में करिए, और जिस व्यक्ति ने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया उसके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन में सारी समस्याओं का समाधान हो जाया करता है। वह किस तरह से होता है समझिएगा कि जो व्यक्ति, आपने देखो कंट्रोल की दुकान,
राशन की दुकान जो होती है, उस राशन की दुकान में, कंट्रोल की दुकान में जो व्यक्ति जाता है अपना कार्ड दिखाता है, राशन कार्ड, और जितने व्यक्ति होते हैं उस हिसाब से उस मात्रा में सामान मिलता है। अर्थात कंट्रोल की दुकान में कंट्रोल से सामान मिलता है, तो जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है तो उसका मन भी उसको उसी तरह से कंट्रोल करके, संतुलन करके रहना सिखाता है, जीना सिखाता है और जीवन का कल्याण करता है। तो आप सभी पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि इस पंचम काल में भी आपको सोचने की, समझने की, जानने की, क्रिया करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करना बहुत चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भाई इनको मना करके कितना चिल्ला रहे हैं जोर से, इसको बंद कर दो। ऊपर जो व्यक्ति मन को नियंत्रण कर लेता है उसका जीवन नियंत्रित हो जाता है। जिस प्रकार से आप गाड़ी चलाते हो तो आपको यदि ब्रेक पर नियंत्रण करना आता है तो आप समझ के चलना कि आपने निश्चित रूप से गाड़ी को चलाना सीख लिया। आप यदि गाड़ी पर बैठते हो और आपको ब्रेक लगाना नहीं आता तो कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं पर भी आपको खतरे का निशान लग सकता है। उसी प्रकार से जीवन में यदि मान लीजिए आपने अपने जीवन रूपी गाड़ी में ब्रेक का सहारा ले लिया तो आपका जीवन कभी क्रैक नहीं होगा। जिसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं होता उसकी गाड़ी क्रैक होती है, और जिसके जीवन में ब्रेक होता है उसका जीवन कभी क्रैक नहीं होता, जीवन कभी बेकार नहीं होता। और ध्यान रखना, बेकार गाड़ी चाहे करोड़ों रुपए की भी हो उसको कोई छूना भी नहीं चाहता, और काम की गाड़ी चाहे सस्ती भी हो तो भी उस पर बैठकर सवार होकर सब लोग चलना चाहते हैं। आज की इस महामारी के दौर में, अभी कोरोना के काल में लोगों ने क्या क्या नहीं देख लिया। कोरोना के शिकार में लोगों ने तरह तरह की बातें देख ली, तरह तरह की व्यवस्थाएं देख ली कि जो इंसान चार दिन पहले तक महफिल में था आज वह महफिल में बैठने लायक ही नहीं है। तो जीवन का भरोसा नहीं कि कब जीवन समाप्ति की ओर हो जाए। इसलिए तो आप लोग कहते हो, मेरे जीवन का जब अंत हो तब सामने एक शंत हो। कहते हैं जीवन का जब अंत हो तो उस समय बेटा होना हो, पत्नी होना हो, पैसा होना हो, लेकिन यदि देव सास गुरु का समागम अंत समय में है तो समझ लेना चाहिए कि जीवन के सारे काम हो गए, सारे पाप धुल गए। अंते समाहि मरणम, कि जिस व्यक्ति का अंत समय नमोकार मंत्र की ध्वनि से समाधि पूर्वक मरण होता है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, संकल्प विकल्प चल रहा है हर किसी से। देखिए संकल्प विकल्प हमारे साथ भी चलता है, संकल्प विकल्प इनके साथ भी चलता है, संकल्प विकल्प इनके साथ भी चलता है, लेकिन संकल्प विकल्पों को नियंत्रित करने की कला जिसको आ जाती है वही वर्तमान में वर्धमान बनने की राह पर चल रहा है। संकल्प विकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संकल्प विकल्प को आने के बाद उस संकल्प विकल्प से दूर हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। संकल्प तो हर क्षण पर है, विकल्प तो हर पल पल पर, हर समय समय पर विकल्प हैं, लेकिन उस संकल्प विकल्पों में यदि आप लोग शांतिपूर्वक चलते हो, प्रेम पूर्वक चलते हो, थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित पूर्वक चलते हो तो समझ के चलना कि तुम्हारा जीवन संकल्प विकल्प से रहित भी हो सकता है। लेकिन आज वर्तमान में कोई विकल्प आया नहीं कि सारी अच्छी चीज़ें समाप्त हो गई, अच्छी वस्तुएं समाप्त हो गई और बस हम लोग विकल्पों में चलते जा रहे हैं। और यह विकल्प ऐसा है, यह विकल्प ऐसा है जो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता, इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। विकल्प ऐसी वस्तु है जो इंसान के साथ लग जाए तो इंसान शमशान घाट पहुंच जाएगा लेकिन विकल्प समाप्त नहीं होता। आदमी बिस्तर पर पड़ा है, आदमी चादर ओढ़ के सो रहा है, लेकिन उसको विकल्प इसका नहीं कि मुझे भोजन सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको चिंता इतनी है कि प्रातः काल में वहां पर क्या होगा। आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी मौका मिले, जिंदगी में कभी भी अवसर मिले तो आप अपने जीवन को संकल्प विकल्पों से रहित बनाने का प्रयास करें, अपने जीवन को संकल्प विकल्प के साथ ना बनाएं, संकल्प विकल्प को त्याग बनाने का प्रयास करें। एक बार एक व्यक्ति
बीमार हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया। और अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब वह अस्पताल में भर्ती हुआ तो उस समय वह सेठ अस्पताल में भर्ती होने के कारण चादर ओढ़ कर लेटा था, चादर ओढ़ के सारी क्रियाओं को संपन्न और संपादित कर रहा था। उस समय वहाँ पर उस सेठ के लिए बोला गया कि सेठ जी, आपका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप यदि चाहें तो अपने परिवारजन से मिल सकते हैं, अपने परिवार वालों से मिलकर वार्तालाप कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, सेठ ने कहा कि मुझे मेरे परिवार वालों को बुलाइए। तो बड़ा लड़का आया, बोले पिताजी आप ठीक हैं? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। छोटा आया, बोले आप ठीक हैं? बोले मैं ठीक हूँ। तीसरे नंबर का आया, बोले आप ठीक हैं? बोले मैं ठीक हूँ। चौथे नंबर का आया, बोले मैं आप ठीक हैं? बोले मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, मुझे एक बात बताओ कि तुम चारों बेटे यहाँ पर हो? बोले पिताजी आपकी सेवा में पिछले 3 दिन से हम लोग यहीं पर हैं। अरे बोले मूर्खों, 3 दिन से तुम लोग यहाँ पर हो तो दुकान तो चौपट हो गई। कि आदमी अंतिम सांस ले रहा है लेकिन उसको विकल्प चल रहा है दुकान का, आपनी अंतिम घड़ी पर चल रहा है लेकिन उसको संकल्प चल रहा है दुकान का, तो समझ के चलना जीवन का कल्याण कैसे होगा। जीवन का यदि कल्याण पाना है, जीवन का कल्याण यदि करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जीवन में कभी भी, अरे भैया जिसका जो हो रहा है हो रहा है। अभी मैंने बताया आपको पहले ही, कोरोना महामारी ने जो व्यक्ति अस्पताल बना सकता था, जो व्यक्ति अस्पताल का निर्माण करा सकता था, उस व्यक्ति ने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाई लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बेड नहीं मिल पाया और जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जब रोग आता है, समस्या आती है, तो वह किसी जाति वर्ग को नहीं देखता, वह ना गरीब देखता है, ना पैसे वाला देखता है, ना मध्यम वर्ग की देखता है। यह तो बस वह है, जो आता है सो आता है। बरसात का पानी सभी के लिए बराबर होता है, किसी के कम नहीं, किसी के ज़्यादा नहीं होता। ये तो हमारे हाथ में होता है कि उस बरसात के पानी को हम किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं और अपने आप ग्रहण करने के बाद उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज बात चल रही है कि मन को जीतना है, मन को पाना है, तो आपको अपने जीवन में हमेशा सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग ही आपको मन से विकल्पों से, मन के द्वारा उत्पन्न विकल्पों को समाप्त करेगा। क्योंकि हमेशा एक बात कहते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कल भी मैंने आपको बताया था कि जीवन में आपको ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे जो गाड़ियों में, करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। आपको जीवन में ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे जो स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलते हैं। आपको जीवन में ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे जो हवाई जहाज पर चलते हैं। आपको जीवन में ऐसे इंसान बहुत मिल जाएंगे जो ट्रेन में, बस में, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं। लेकिन आपको जीवन में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो 24 घंटे नग्न रहकर, 24 घंटे तपस्या में, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, नगर विहार करते हैं, नगर पथ पर चलते हैं, पैदल नंगे पैर चलते हैं। ऐसे मिलने वाले बिरले ही लोग होते हैं और वही सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में दिगंबर संत वह कार्य करते हैं। और जो व्यक्ति दिगंबर संतों के, साथ में संपन्न करता है, दिगंबर संतों के साथ में रहता है, उसके जीवन की लीला ही अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि आप विचार करिए कि आप संत के पास में आए, आपने कुछ भी नहीं किया, आपको ये ज्ञान भी नहीं है कि मुझे संत को अभिवादन क्या करना है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, एक व्यक्ति आया, बोले नमस्ते महाराज जी, आप ठीक हैं? मैंने कहा ठीक। तो मेरे साथ जो लोग बैठे थे, आसपास जो लोग बैठे थे, बोले महाराज जी इसने नमोस्तु की जगह नमस्ते कर दिया, आपको बुरा नहीं लगा? अरे मैंने कहा आज इसने नमस्ते किया है, कल कम से कम नमोस्तु करना तो सीखेगा। और मैं पहले दिन ही नाराज हो जाऊं कि तुम्हें पता नहीं है महाराज जी को नमोस्तु किया जाता है, तो बेचारा दोबारा आएगा ही नहीं। एक बार मैं आहार ले रहा था कहीं पर, आहार लेते लेते जब मैं आहार ले रहा था, तो एक व्यक्ति, जब हो सकता है पहली बार आहार दे रहा हो, बहुत दिनों बाद दे रहा हो आहार, उसके आहार से आहार लेते लेते चम्मच गिर गई और चम्मच गिर गई नीचे। अब सारा संघ, ये बिल्कुल सत्यवाद है, कई काल्पनिक बातें होती हैं, तो सारा संघ मुझे देख रहा है, सारे लोग मुझे देख रहे हैं, महाराज जी क्या करेंगे? मैं तो अपना आहार ले रहा था। फिर एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बोले महाराज जी वो चम्मच गिर गई तो आपको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा भाई एक बात ऐसी है कि चम्मच जो गिरी है वह किस व्यक्ति से गिरी है? वह व्यक्ति जिंदगी में पहली बार तो आहार देने आ रहा है, उससे चम्मच गिरी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन तुमसे चम्मच गिरी तो जरूर डर लगती।
कि जो व्यक्ति जो रोज काम करता है वह गलती करेगा तो नाराजगी जरूर आएगी। जो व्यक्ति बेचारा जानता ही नहीं कि काम क्या करना है, वह यदि ऐसा काम कर रहा है तो शायद नाराजगी किसी को भी नहीं आएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मन को स्वस्थ करने के लिए आपको उनके पास जाना है जिनका मन स्वस्थ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गोविंदा। मुझे आदरणीय मुकेश जैन और मेरे अपने मित्र संदीप जैन के माध्यम से पता लगा कि परम गुरु जी सौभाग्य सागर जी की ट्रस्ट संस्कार सागर के माध्यम से दिल्ली में खाना खिलाया जा रहा है। जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं उनके इस नेक काम की सराहना करता हूं और मानवतापूर्वक इस कर्म के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रणाम गुरु जी। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24-24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है, जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस समस्त गंगवाल परिवार मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली।